हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएस स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सायर सिंह। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमेशा ये कहते फिरते हैं कि मैं भी सफल हो गया होता अगर मुझे भी अवसर मिला होता। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ हर किसी व्यक्ति के जीवन में अवसर जरूर आते हैं, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ ना समझ उन्हें गंवा देते हैं। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। एक दिन उस गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई और गांव में बाढ़ के हालात बनने लगे, तो गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। एक व्यक्ति उस मंदिर में आया और पुजारी से बोला कि पुजारी जी, पूरा गाँव डूबने लगा है, सभी लोग इस गाँव को छोड़ के जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ में चलो। तो पुजारी उससे कहता है कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि वो मुझे बचा ही लेगा, तो आप यहाँ से चले जाइए। तो वो गांव वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में मंदिर में भी धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है और एक नाव वाला एक नाव लेकर आता है मंदिर में और उस पुजारी से कहता है कि पुजारी जी, आप यहाँ से चलो, ये मंदिर भी अभी डूबने वाला है। तो पुजारी फिर उससे वही कहता है जो उसने पहले व्यक्ति से कहा था कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे बचाने जरूर आएगा। तो वो नाव वाले भी चला जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे पानी और बढ़ता है, मंदिर डूबने लगता है। तो पुजारी मंदिर की छत पर चला जाता है और छत पर जाकर जब खड़ा होता है तो वहाँ से ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है। तो हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति होता है वो उसे आवाज़ लगाता है कि पुजारी, हम तुम्हें किसी ऊंचे स्थान पर पहुँचा देंगे, आ जाओ हमारे हेलीकॉप्टर में। तो पुजारी उनको भी वही आंसर देता है, वही जवाब देता है कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे बचाने जरूर आएगा। तो इस तरह से हेलीकॉप्टर वाला भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही अब पुजारी भी डूबने लगा था क्योंकि पानी बढ़ने लगा था, तो अंत में पुजारी से रहा नहीं जाता है और वो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, जीवन भर मैंने तेरी भक्ति की लेकिन तू मुझे बचाने नहीं आया। तो भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि पुजारी, मैं तो तीन बार तुझे बचाने के लिए आया, पहली बार वो गांव वाला बनकर, दूसरी बार वो नाव वाला बनकर और तीसरी बार वो हेलीकॉप्टर वाला बनकर, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों, अब पुजारी के पूरी तरह से वो बात समझ में आ चुकी थी क्योंकि वो अवसर गंवा चुका था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम छोटे छोटे अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं। हमें उन छोटे छोटे अवसरों को पहचानना चाहिए और क्योंकि छोटे छोटे अवसर मिलकर ही हमें एक बड़ी सफलता दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हुए, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए, मैं जहाँ तक समझता हूँ छोटे छोटे अवसरों को सफलता का जरिया बनाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे अवसर ही हमें बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं।